अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रूहानी इलाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मोहब्बत का पावरफुल अमल, मोहब्बत का नहायत ही मुजर्रब अमल, मोहब्बत का इस कदर तेज़ तरीन अमल के पहले शायद ही आपने सुना हो, शायद ही आपने इस जैसे अमल का तसव्वुर किया हो। ये सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ का अमल है, जो भी इसको कर ले इंशाअल्लाह ताला उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसका सारे मामलात इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। जो उससे नफ़रत करता है वो उससे मोहब्बत करने लग जाएगा। इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, इंशाअल्लाह ताला 1000% गारंटी देता हूँ कि ये अमल आपको मायूस नहीं करेगा। जो दोस्त अमल कर कर के मायूस हो चुके हैं उनके लिए ये ख़ास अमल है। ज़्यादा तावील वीडियो भी नहीं करता ताकि आप परेशान न हों, इसको मुकम्मल तौर पर आप देखें और इससे फ़ायदा हासिल करें। ये अमल बहुत ही आसान सा अमल है। करना क्या है, आपने रात को इशा की नमाज के बाद, जब इशा की नमाज पढ़कर आप फारग हो जाएं, अपने बिस्तर पर चले जाएं, अपने बिस्तर पर बैठकर किबला की जानब अपना मुंह कर लेना है और मुंह करके किबला की जानब आपने अव्वल 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। वो दुरूद पाक जो हम नमाज में पढ़ते हैं। शोहर अपनी बीवी के लिए भी इस अमल को कर सकता है, बीवी अपने शोहर के लिए इस अमल को कर सकती है। जायज़ मोहब्बत के लिए इस अमल को किया जा सकता है, नाजायज़ के लिए हरगिज़ हरगिज़ नहीं किया जा सकता। वरना जो नाजायज़ करेगा उसका जितना भी बवाल आएगा वो उसी पर होगा, हम उससे बरी उज़िम्मा हैं। इसलिए हम आपको पहले बता रहे हैं इसको जायज़ मकसद के लिए किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये अमल मायूस नहीं करेगा। तो दोस्तों, अव्वल आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लेना है, उसके बाद अपना दायां हाथ अपने दिल पर रख कर आपने अल्लाह तबारक व ताला का ये इस्म या वदूदो या वदूदो या वदूदो 111 मरतबा पढ़ना है। ये ख्याल करना है कि गिनती में कोई हेरी फेरी ऊंच नीच ना हो, गिनती पूरी करनी है, कम या ज़्यादा नहीं करनी आपने। ज़्यादा भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कम नहीं करनी आपने। तो आपने फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लेना है और फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है कि बारी ताला फलां मेरी बीवी के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर दे। बीवी है तो वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगी कि मालक मेरे शोहर के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर दे। ये अमल इंशाल्लाह एक ही दिन करने से आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिल जाएगा। जो आपके दरमियान झगड़ा फसाद है वो ख़त्म हो जाएगा, इससे मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर एक दिन फ़ायदा मुकम्मल ना हो तो आप इसको चंद दिन करते रहें, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर आपको इससे फ़ायदा हासिल हो जाएगा। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ख़ास उन दोस्तों के लिए जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है।